दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है। तो एनएवी इसका 104 रुपये का है। आप इसके पहले भी मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और कंपेयर करने की कोशिश कर लीजिएगा कि अगर आपने 2-3 महीने पहले ही पैसा डाला होता इस फंड के अंदर, तो 3-3.5% के आसपास आपको रिटर्न डिलीवर हो गया होता। अगर मैं फिलहाल अभी बात करूँ तो 1 साल में देखिए कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया है। अगर मैं 3 साल की बात करूँगा तो 47% का है। चूँकि कंपाउंड होता है, इस वजह से अच्छा रिटर्न आ जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। 5 साल में बात करेंगे तो 16% का, और मैक्सिमम बात करेंगे तो इनका कंटिन्यूसली मैक्सिमम इन्होंने होल्ड करके चला हुआ है, जो कि है 24% का CAGR। CAGR होता है म्यूचुअल फंड में कि कंपाउंड होता है, ठीक है। 10 साल से ये म्यूचुअल फंड लगातार काम कर रहा है। 4 out of 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। इसी के साथ साथ सभी राज जी इसके फंड मैनेजर हैं, और सभी राज जी का जिस तरीके से फंड को मैनेज करने का यूनिक स्टाइल है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न है ये डिलीवर करके दे पा रहे हैं। और होप्स हो कि ऐसा ही ये म्यूचुअल फंड काम करता रहे। रिस्क की बात करेंगे तो वेरी हाई रिस्क रहता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। तो आपको रिस्क का एनालिसिस जरूर होना चाहिए, तभी किसी फंड्स में हो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो तभी आप करें, ठीक है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा था, स्मॉल कैप कैटेगरी में जी हाँ, रिटर्न आपको पेल के मिलता है, पर चूंकि लॉस होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है तो इस वजह से यहाँ रिस्क वेरी हाई कर दिया जाता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा था, 24,490 करोड़ का असेट साइज है इसका। 0.92% का एक्सपेंस रेशियो रखते हैं, 2.64% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं ये। निफ्टी 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करा है। अगर आप 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। चलिए कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। देखिए, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, डाइवर्सिफाइड कुछ सेक्टर्स हैं। इसके साथ साथ एनर्जी और इंश्योरेंस, यहाँ पर इन्होंने टारगेट किया है। इनको ऐसा लगता होगा कि यहाँ से अच्छा रिटर्न बनता होगा और बनेगा भी, और डेफिनेटली देखने से ही लग रहा है यार, जिस हिसाब का रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, KPIT इंजीनियरिंग, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बलरामपुर चीनी, जाइडस वेलनेस, ये शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। NIIT, लार्सन एंड टूब्रो, नवीन फ्लोरिन। अब देखिए, अगर कोई स्मॉल कैप स्टॉक्स बढ़िया बेहतरीन ढूंढ रहा हो तो जो ये स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ इन पर आप रिसर्च करो, इनके फंडामेंटल्स का एनालिसिस करो, और आप खुद पाएंगे कि एक अच्छा स्टॉक आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। NIIT, लार्सन एंड टूब्रो, नवीन फ्लोरिन, तेजस नेटवर्क। अब लोग कहेंगे कि यार L&T तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, पर यार मेरे मित्र ये बताओ CKD जी की फंड तो ये स्मॉल कैप है, फिर लार्ज कैप कंपनी क्या कर रही है? ये फंड मैनेजर की क्वालिटी होती है कि एक लार्ज कैप भी ऐसी कंपनी को चुना जाए जो अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दे, तो डेफिनेटली कुछ तगड़ा रिटर्न आ सकता है। तेजस नेटवर्क, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, कार्बोरंडम, मैग्मा फिनकॉर्प, अपार इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सेस, इलांटास बैंक एंड फाइन ऑर्गेनिक, एक्सिस बैंक, निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टिमकेन इंडिया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मल्टो कमोडिटी एक्सचेंज, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, रेडिको खेतान, करूर वैश्या, सेंट एंड बिरला कॉरपोरेशन, फिनोलेक्स केबल, अजंता फार्मा, KPR मिल, एयर एक्सचेंज एंड महिंद्रा CIE, वोल्टा MP ट्रांसफार्मर्स एंड देन रिलायंस इंडस्ट्रीज, किर्लोस्कर एंड HG इंफ्रा, मैक, दीपक नाइट्राइट, FIL, वर्धमान टेक्सटाइल, ईक्लैक्स, लिंडे इंडिया, ज्योति लैब राइट्स, रेमंड, रेडगेन, फ्यूजर माइक्रो एंड बेयर क्रॉप साइंस। ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ अल्टरनेट की बात करूँ तो देखिए, क्वांट स्मॉल कैप भी एक अच्छा फंड हाउस है, HSBC स्मॉल कैप फंड एक अच्छा फंड हाउस है, इसके साथ साथ कैनरा रूबेको भी अच्छा फंड हाउस है। इन तीनों के वीडियो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और चीज़ों की यहाँ से बात करूँ, इस पूरी निप्पॉन इंडिया की एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, 285,822 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 241 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। बहुत बड़ा फंड हाउस है, बहुत ज़्यादा स्कीम्स को मैनेज करते हैं। और फिलहाल अगर मैं इस टोटल में ऑल इन ऑल में बात करूँ कि मिड कैप कैटेगरी में भी निप्पॉन अच्छा काम कर रहा है, पर स्मॉल कैप में बेहतरीन रिटर्न, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्मॉल कैप में है इस फंड की। मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत